नमस्कार एंड वेलकम दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संजय दत्त के बारे में, और संजय दत्त के लाइफस्टाइल और कुछ अननोन फैक्ट्स भी हम इस वीडियो में ही जानेंगे। तो चलिए पहले जान लेते हैं कौन है ये संजय दत्त। संजय दत्त हिंदी सिनेमा में अपने बेहतरीन अभिनय की वजह से जाने जाते हैं। वह एक मशहूर अभिनेता और एक निर्माता है। लोग उन्हें प्यार से संजू बाबा, डेडली दत्त और मुन्ना भाई भी कहकर पुकारते हैं। वह पॉलिटिक्स में भी कुछ समय के लिए अपने हाथ को आजमा चुके हैं, लेकिन 1993 में हुई मुंबई बम ब्लास्ट की वजह से वह खास चर्चा में रहे हैं। उन पर आरोप यह है कि उस दौरान उन्होंने अपनी आत्मरक्षा के लिए गैर कानूनी तरीके से अपने पास हथियार रखे। उन्होंने लगभग हर शैली की फिल्मों में काम किया है, चाहे वो एक्शन फिल्म हो या कॉमेडी फिल्म या रोमांस। संजय दत्त के चलने के अंदाज को आज भी लाखों दीवाने हैं। इनका नाता बॉलीवुड से ही खानदानी है। इनके माता पिता भी बहुत अच्छे अभिनेता और अभिनेत्री थे, जिनका नाम और काम आज तक याद किया जाता है। अपनी अभिनय के हुनर से इन्होंने फिल्म दुनिया में एक अलग सी पहचान बनाई है। 1981 से अब तक इन्होंने 100 से भी अधिक फिल्मों में अभिनय किया है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं संजय दत्त के लाइफस्टाइल के बारे में। पहले हम बात करते हैं फुल नेम यानी कि पूरा नाम। संजय दत्त का पूरा नाम है संजय बालाराज दत्त। निकनेम, संजय का दो निकनेम भी है, एक है संजू बाबा और दूसरा है मुन्ना भाई। अगले हम आते हैं प्रोफेशंस पे। संजय दत्त प्रोफेशन से एक एक्टर और एक फिल्म प्रोड्यूसर है। संजय दत्त की डेट ऑफ बर्थ है 29 जुलाई 1959, और 2019 में उनकी उम्र करीब 60 साल की हो चुकी है। अगर बात करें बर्थ प्लेस की तो उनकी बर्थ प्लेस है भारत के मुंबई में। नेक्स्ट हम बात करते हैं फैमिली के बारे में। उनकी फादर का नाम है सुनील दत्त, जो कि एक एक्टर थे, और उनकी माता का नाम है नरगिस दत्त, जो कि एक एक्ट्रेस थे। अब गर्लफ्रेंड और अफेयर्स के बारे में बात करते हैं। संजय दत्त की 3 गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं। पहला का नाम है तानिया मुनीम, जो कि एक एक्ट्रेस थे, और संजय दत्त और उनका बीच संबंध 1981 से 1983 के बीच रहा था। दूसरा है रिचा शर्मा, जो भी एक एक्ट्रेस थे, और संजय और रिचा के बीच का संबंध जो था वो 1987 से लेकर 1996 तक ही चला। और तीसरी थी माधुरी दीक्षित, जो भी एक एक्ट्रेस थे, और माधुरी और संजय के बीच रिश्ता 1990 से लेकर 1993 तक ही चल पाया था। संजय दत्त की अगर मैरिटल स्टेटस की बात करें तो संजय दत्त मैरिड है, यानी कि उसका विवाह हो चुकी है, लेकिन उन्होंने 3 विवाह की है। उनकी पहली शादी 12 अक्टूबर 1987 को हुआ था रिचा शर्मा से। उसकी दूसरी शादी हुआ था रिहा पिलाई से, जो कि 1998 में हुआ था, और उसकी तीसरी शादी हुआ था मानयता दत्त के साथ, जो कि हुआ था 7 फरवरी 2008 को। संजय दत्त की 2 बहन हैं, एक है प्रिया दत्त और दूसरा है नम्रता दत्त। अब बात करते हैं संजय दत्त की चिल्ड्रंस के बारे में। अगर चिल्ड्रंस की बात करें तो संजय दत्त की एक बेटा है जिसका नाम शाहरान है, और उसका 2 बेटी है। पहला का नाम है त्रिशाला दत्त और दूसरा का नाम है इकरा दत्त। नेक्स्ट बात करते हैं संजय दत्त की फिजिकल स्टेटस के बारे में। अगर संजय दत्त की फिजिकल स्टेटस के बारे में बात करें तो उनकी हाइट है 6 फीट की, अगर मीटर्स पर कैलकुलेशन की जाए तो 1.83 मीटर। वेट, उनकी वेट है करीब 85 केजीज की, अगर पाउंड्स पर कैलकुलेशन की जाए तो 187 lbs। बॉडी मेजरमेंट, उनकी बॉडी मेजरमेंट में उनकी चेस्ट है 44 इंचेस की, वेस्ट है 36 इंचेस, और बाइसेप्स है 16 इंचेस की। आई कलर, उनकी आई कलर है डार्क ब्राउन। हेयर कलर, संजय दत्त की हेयर कलर है ब्लैक। अगर उनकी नेशनलिटी देखें तो उनकी नेशनलिटी है इंडियन और रिलीजन है हिंदू। अब बात करते हैं संजय दत्त की एडुकेशन एंड एडुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। संजय दत्त की पहली स्कूल की पढ़ाई द लॉरेंस स्कूल से हुई थी, जो कि हिमाचल प्रदेश में उपस्थित है। संजय दत्त स्टडी में अच्छे तो थे, लेकिन हाई स्कूल में जाने के बाद वो ड्रग्स एडिक्टेड हो गए, इसलिए वो हाई स्कूल और ग्रेजुएशन कोई भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं कर पाए।
अब बात करते हैं संजय दत्त की फिल्मोग्राफी के बारे में। संजय दत्त की फिल्म में डेब्यू एक चाइल्ड एक्टर के रूप में हुआ था और वो फिल्म था रेशमा और शेरा, जो कि 1972 में रिलीज हुआ था। उन्होंने एक लीड एक्टर के रूप में एक दूसरी फिल्म पर डेब्यू किया जिसका नाम था रॉकी। 1981 में ये फिल्म रिलीज हुआ था। और तीसरा फिल्म में उन्होंने एक प्रोड्यूसर के रूप में डेब्यू किया और वो फिल्म का नाम था शॉर्टकट, जो कि 2009 में रिलीज किया। उनकी टीवी पर एंट्री हुआ था बिग बॉस सीजन 5 में, जो कि 2011 में हुई थी, और इसमें वह सलमान खान के साथ एक को होस्ट के तौर पर नजर आए थे। अब बात करते हैं संजय दत्त की नेटवर्थ और सैलरी के बारे में। संजय दत्त की नेटवर्थ 2019 में करीब 137 करोड़ इंडियन रुपीज है और उनकी सैलरी हर मूवीज पर 5 से 6 करोड़ रुपए के बीच में रहती है। अब संजय दत्त के कार्स कलेक्शन के बारे में बात करते हैं। संजय दत्त के पास कई सारे कार्स की कलेक्शन है, तो देख लेते हैं उनके पास क्या क्या कार्स हैं। पहला है उनके पास फरारी 599 GTB, जिसकी प्राइस करीब 1,39,00,000 रुपीज है। अगला वाला है रोल्स रॉयस गोस्ट, जिसकी प्राइस है करीब 2,50,00,000 की। तीसरे नंबर पर है ऑडी R8, जिसकी प्राइस है करीब 2,40,00,000 की। और अगली वाली है ऑडी Q7, इसकी प्राइस है करीब 74,00,000। इसके अलावा उनके पास BMW 7 सीरीज और 2 सीटर ऑडी R8 भी मौजूद है। नेक्स्ट हॉबीज। संजय दत्त की हॉबीज हैं गिटार बजाना, फोटोग्राफी यानी कि फोटो खींचना, कुकिंग और वर्कआउट्स, और सबसे ज्यादा हॉर्स रीडिंग। वैसे देखा जाए तो संजय दत्त टैटू के बड़े शौकीन हैं और उनके चेहरे पर आपको कहीं तरह के टैटू देखने को मिल जाएगा। उनके चेहरे पर कहीं तो उनका भगवान शिव के ऊपर टैटू है, तो कहीं उनके माता और पिता के नाम पर भी टैटू लगी हुई है। अब संजय दत्त की फैन फॉलोइंग के बारे में बात करते हैं। संजय दत्त की फेसबुक पेज पर करीब 800,000 से ज्यादा फॉलोअर्स मौजूद हैं। वही ट्विटर पर उनके करीब 1.9 मिलियन फॉलोअर्स है और इंस्टाग्राम पर करीब 2.3 मिलियन फॉलोअर्स है। नेक्स्ट बात करते हैं संजय दत्त की कुछ फेवरेट चीजों के बारे में। संजय दत्त की फेवरेट फूड है तंदूरी चिकन। फेवरेट एक्टर है अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना। फेवरेट एक्टर्स है शर्मिला ठाकुर और नरगिस। फेवरेट सिंगर है लता मंगेशकर और किशोर कुमार। संजय दत्त जब नरगिस के पेट में थे तो उस वक्त उनके पिता सुनील दत्त और माँ ने रेडियो पर एक एड दिया था, जिसके तहत लोगों से बच्चे का नाम पूछा गया। कई नामों के बाद नरगिस ने संजय का नाम पसंद किया। उस वक्त नरगिस ने यह सोच लिया था कि अगर उनके घर बेटा जन्मा तो उसका नाम वो लोग संजय ही रखेंगे। इस तरह संजय दत्त का नाम रखा गया। नंबर 2, संजय दत्त जब जेल में थे तो उस वक्त उन्हें पेपर बैग बनाने का काम दिया गया था, जिसके लिए उन्हें दिन के 50 रुपए मिला करते थे। उसके साथ ही संजू जेल के रेडियो के लिए रेडियो जॉकी का काम भी किया करते थे। सारे कैदी तो संजय दत्त से मिल नहीं पाते थे, लेकिन रेडियो के जरिए संजय दत्त उन्हें अपनी जिंदगी के रोचक किस्से भी सुनाया करते थे। आपको बता दें कि संजय दत्त बहुत ही अच्छे स्टोरी टेलर भी है। संजय दत्त जब जेल से बाहर निकले उस वक्त उनकी कमाई 30,000 रुपए से ज्यादा हो चुकी थी, जिसमें वो सारी इनकम जेल की कैंटीन में ही खर्च कर चुके थे। उनके पास बस 400 रुपए ही थे, जो उन्होंने अपनी वाइफ मान्यता दत्त को जेल से बाहर आने के बाद दिए थे। नंबर 3, संजय दत्त को ड्रग्स की बुरी नशे थी। फिल्म रॉकी की शूटिंग के दौरान भी संजय दत्त नशे में रहा करते थे। उनकी नशे इतनी ज्यादा थी कि वो शूट पर भी नशे में आते थे। एक बार तो उनकी माँ का इलाज के लिए उसको न्यूयॉर्क जाना था। नशे के बगैर वो रह नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने अपने सॉक्स के अंदर ड्रग्स को छुपा लिया। उस वक्त संजय दत्त को यह एहसास नहीं था, लेकिन बाद में एक इंटरव्यू में संजय दत्त ने माना कि यह उसकी बहुत बड़ी गलती थी। अगर वो पकड़ा जाता तो उसके साथ उसकी बहन भी जेल में जाती। नंबर 4, संजय दत्त ने पहली बार सिगरेट जब पी थी तब उस वक्त उनकी उम्र महज 9 साल की थी। पिता सुनील दत्त से मिलने कहीं निर्माता और निर्देशक आया करते थे और वो बची हुई सिगरेट वही छोड़ देते थे। संजय उन सिगरेट को छिप कर पीने लगते थे, लेकिन एक बार जब सुनील दत्त संजय दत्त को ऐसा करते हुए पकड़ लिया तो वो इससे बहुत नाराज हुए
और सोचा कि यहाँ इसे बहुत प्यार किया जाता है, इसलिए वह बिगड़ रहे हैं। इस वजह से ही सुनील दत्त ने उन्हें बोर्डिंग स्कूल पर भेज दिया। नंबर 5, संजय दत्त को पढ़ाई करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, वह बस फिल्मों में काम करना चाहते थे। लेकिन सुनील दत्त का कहना था कि तुम्हें जो भी करना है करो, लेकिन उससे पहले ग्रेजुएट होना तुम्हें बहुत जरूरी है। इसके बाद उनका एडमिशन मुंबई के कॉलेज में करवाया गया, लेकिन वो एक दो दिन से ज्यादा क्लास में नहीं गए। यही वो दौर था जब वो गलत संग में पड़ गए और वो और उन्हें हेवी ड्रग्स लेने की लत पड़ गई। तो दोस्तों, यही थी संजय दत्त के बारे में आज की हमारी ये वीडियो। कैसे लगी आपको ये वीडियो? अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए, और आपको अगर कुछ कहना है संजय दत्त के बारे में तो नीचे कमेंट सेक्शन पर आप हमें बता सकते हैं। और अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें आपके पास नया नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए। आपका मूल्यवान समय हमारे इस वीडियो में देने के लिए शुक्रिया।